हेलो स्टूडेंट्स, आई एस के गुप्ता एन इंग्लिश टीचर फ्रॉम लक्ष्य क्लासेज वेलकम यू ऑल टू माय फर्स्ट वीडियो लेक्चर इन इंग्लिश कॉम्पिटिटिव। एज यू ऑल नो दैट टुडे वी गाइज आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम कोरोना वायरस। वी आर स्टेइंग एट होम्स एंड लर्निंग ऑल द टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू अपकमिंग एग्जामिनेशन। एंड as you all are the students of Laksh classes, so you need to crack competitive examination also. So to help you, I am here to start the very first topic in English competitive examination, article. There are various topics which are asked in competitive examinations. First of all, the basic topic is article. Thereafter, verbs, tense, modals, voice, conditionals, and many more topics are there in the row. So, without wasting time, let's start the very first topic, articles. Article is classified into two categories: indefinite and definite. So first of all, so students, चलिए हम लोग सबसे पहले basic topic article से start करते हैं। Article को दो category में divide किया गया है, indefinite and definite. तो सबसे पहले मैं इन दोनों के बीच में difference पता करूंगा और आप लोग को बताऊंगा कि आखिर ये इनडेफिनिट और डेफिनिट में क्यों क्लासिफाई किया गया। जैसा कि यहां आप लोग देख रहे हो, इनडेफिनिट में ए और एन आता है और डेफिनिट में द आता है। हैव यू एवर थॉट अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दी और द? क्या आपने कभी सोचा है कि द का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? जैसे कि आप लोग फिल्म वगैरह देखते हो तो उसमें क्या लिखा जाता है, द एंड। उसको बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे पीपल उसको पढ़ देते हैं द एंड। ये गलत है, उसको द एंड बोलना है। क्यों? क्योंकि ये जो ई वर्ड आप देख रहे हो, ये वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। ये ई अ आ ई ई, ये वॉवेल साउंड है, इसलिए इसको दी बोलेंगे। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है माय डियर? इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, मतलब वो स्पेशल नहीं है, वो कॉमन है, हर एक लोगों के लिए कॉमन है। अब आप लोग को बातें क्लियर नहीं हो रही होंगी तो मैं एक एग्जांपल में आप लोग को समझाता हूं। जैसे कि यहां लिखा हुआ है, आई फाउंड अ बैग लाइंग ऑन द ग्राउंड। मैंने एक बैग पाया, कहां पाया? जमीन पर गिरा हुआ। मैंने एक बैग पाया जमीन पर गिरा हुआ। अभी तक आपको उस बैग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए वो बैग आपके लिए स्पेशल नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने उस बैग को देखा ही है। अभी उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, अभी आप उसको उठाएंगे, उसको देखेंगे कैसा है, तब जाकर वो आपको पता चलेगा कि ये कैसा है। अभी तक आपके लिए एक कॉमन सा बैग है जो आपने देखा। जैसे आप यूं कहते हो, मैंने आज बाजार जा रहा था तो मैंने एक अजीब आदमी को देखा। तो आपने एक अजीब आदमी देखा, आपने उस आदमी के बारे में आप जानते नहीं हो ज्यादा, केवल आप दूसरों को बता रहे हो कि मैंने एक आदमी को देखा। उसी तरह से मैंने एक बैग को देखा जमीन पर गिरा हुआ था। अब दूसरे ही सेंटेंस में उसी बैग के बारे में और भी क्लैरिफाई किया जा रहा है, द बैग वॉज वेरी एक्सपेंसिव। बैग बहुत ही महंगा था, बैग बहुत ही क्या था? महंगा था। तो अब हम लोग उस बैग का सेकेंड इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब उस बैग को डेफिनिट बना रहे हैं। पहले वो बैग मेरे लिए इनडेफिनिट था, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। पहली बार हम उस बैग से रूबरू हुए थे, उस पहली बार उस बैग से हमको देखने को मिला था उस बैग को। बाद में उस बैग के बारे में हमने जाना कि वो बैग एक्सपेंसिव है, द बैग वॉज रेड इन कलर, इट वॉज लुकिंग अट्रैक्टिव एंड मेनी मोर्स।
तो इस बैग को आपने डेफिनेट बनाया, इसलिए यहां पर द का यूज किया गया है। अब आप लोग को एक और एग्जांपल में मैं आपको क्लियर करता हूं। आई मेट अ डॉक्टर हु ट्रीटेड माई इंजर्ड लेग्स, इसका मीनिंग क्या हुआ माई डियर? मैंने एक डॉक्टर से मिला, मैं एक डॉक्टर से मिला जो मेरा घायल पैर का इलाज किया था। तो वो डॉक्टर आपके लिए क्या स्पेशल नहीं है? क्या आप सारे डॉक्टर की बात कर रहे हो या केवल उस डॉक्टर की बात कर रहे हो जिसने आपका इलाज किया था? नो डाउट यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम डॉक्टर हु ट्रीटेड योर इंजर्ड लेग्स। आप उसी डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हो जिसने आपका इलाज किया था, इसलिए यहां पर सारे डॉक्टर की बात नहीं हो रही है, इसलिए यह स्पेशल है, इसलिए यहां पर डेफिनेट आर्टिकल हमको डालना पड़ेगा जो कि यहां पर गलत लिखा हुआ है अ, इसलिए हमें यहां पर द लगाना पड़ेगा। तो यही हुआ इनडेफिनिट और डेफिनिट में अंतर। जैसे इनडेफिनिट का मतलब होता है वो सभी के लिए कॉमन होगा, और डेफिनिट का मतलब होता है वही स्पेशल, मतलब उसी के बारे में बातचीत की जा रही है। जैसे दिस इज द हाउस वेयर सी लिव्स, यह वही घर है जहां वह रहती है। क्या ये सारे घरों की बात हो रही है? नो माई डियर, ये वही घर की बात हो रही है जहां वो रहती है, इसलिए ये स्पेशल हुआ और ये डेफिनेट आर्टिकल यहां पर लगाया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बेसिक यूजेज देखेंगे, यूज ऑफ ए और एन। ये तो हुई डिफरेंसेज इनडेफिनिट और डेफिनिट में। अब हम लोग बारीकी से एक एक करके सारे आर्टिकल्स का, दैट मीन्स इनडेफिनिट और डेफिनिट का यूजेज को देखेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर है ये बेसिक इंट्रोडक्शन है केवल आर्टिकल का। ये आर्टिकल का कॉन्सेप्ट और भी गहराई में है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी मैं क्लैरिफाई करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। तो चलिए आप यूज ऑफ ए के बारे में जानते हैं और एन के बारे में जानते हैं। जैसा कि यहां लिखा गया है, दीज आर यूज विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये किसके साथ यूज होता है माय डियर? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसका मतलब क्या हुआ? नाउन होना चाहिए और उसको गिनना चाहिए, मतलब उसको गिना जा सके। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे नाउन्स हैं, काउंटेबल हैं, कोई अनकाउंटेबल है। मैं केवल काउंटेबल नाउन्स की बात कर रहा हूं जिसको गिना जा सके। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैं इसको गिन सकता हूं। जैसे चेयर्स गिन सकते हैं, टेबल गिन सकते हैं, एप्पल गिन सकते हैं, पेन गिन सकते हैं, मतलब वैसे नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हो। और काउंट करने पर माय डियर एक हो, एक से ज्यादा नहीं हो। जैसे काउंटेबल रहना चाहिए और साथ ही साथ सिंगुलर, सिंगुलर रहना चाहिए, मतलब गिनने पर एक ही आना चाहिए, तभी जाकर हम लोग ए और एन दोनों का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग, आखिर जब दोनों का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है तो आखिर हम लोग, अब ये पॉइंट बनता है कि आखिर ए कहां लगाऊंगा और एन कहां लगाऊंगा। तो चलिए, ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड रहना चाहिए। अब जिस नाउन के पहले आप ए लगा रहे हो, आप श्योर हो जाओ, अपने आप को एश्योर कर लो कि उसके बगल में कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड कहने का मतलब क्या हुआ? क ख ग घ। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल और कॉन्सोनेंट को दूसरे तरीका से क्लैरिफाई किया गया है। जैसे ए ई आई ओ यू को हम लोग वॉवेल बोलते हैं एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कंसिडर्ड कॉन्सोनेंट। बट इफ यू कम इन हिंदी, दीज आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। दैट मीन्स क ख ग घ को हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं और आई को हम लोग वॉवेल साउंड बोलते हैं। तो आपको हिंदी प्रोनंसिएशन करना ही होगा माय डियर। बिना हिंदी प्रोनंसिएशन किए हुए आप ए और एन को नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए, अगर क ख ग घ से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, कोई नाउन, काउंटेबल नाउन, तो उसके पहले अ लगाएंगे, और अगर
आई से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगाएंगे। अब आप लोग को शायद मैं ओरली बोल रहा हूं तो आप लोग को क्लियर नहीं हो रही होगी, तो चलिए मैंने यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है, इन एग्जाम्पल्स के जरिए मैं आप लोग को क्लैरिफाई करने का कोशिश करता हूं। चलिए यहां पर क्वेश्चन आपका क्या है, पुट ए और एन बिफोर दीज वर्ड्स इफ नेसेसरी, अगर जरूरत है तो, ऐसे ही नहीं लगाना है, अगर जरूरत है तो, डैट मीन्स ये रूल फॉलो करना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए और कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ और वॉवेल साउंड है तो एन। चलिए हम लोग इन एग्जाम्पल्स के जरिए और भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि यहां पर लिखा गया है स्मार्ट बॉय, स्मार्ट बॉय, अब बताइए माय डियर इसमें नाउन कौन है, नाउन है बॉय, नाउन का मतलब इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू ऑल नो डॉट अबाउट नाउन्स, नाउन तो आप लोग बचपन से पढ़े हो, नाउन आर नेमिंग वर्ड्स, जैसे आपके अगल बगल जो भी चीज है आप उसको जिस नाम से पुकार रहे हो वही तो नाउन है। जैसे बॉय ये कोई पर्सन है, ये पर्सन का नेम है इसलिए ये नाउन है। अब बताइए इस नाउन के लिए आर्टिकल तो आना मस्ट बनता है, आर्टिकल तो आना चाहिए क्योंकि आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, और वो नाउन कैसा रहना चाहिए, काउंटेबल रहना चाहिए। तो बॉय को तो आप लोग गिन ही सकते हो, जैसे यहां पर कितने बॉयज है, 4, 5, 6 एंड दैट्स ऑल, तो यहां पर आप तो गिन सकते हो ना, तो जब आप इसको गिन सकते हो तो ये काउंटेबल हुआ, और काउंटेबल के साथ साथ ये सिंगुलर भी है क्योंकि यहां पर बॉय लिखा गया है न कि बॉयज लिखा गया है। अगर बॉय लिखा गया है तो ये स्पष्ट होता है कि ये सिंगुलर है, तो अब हमें लगा देना चाहिए अ, क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए स्मार्ट ये स से स्टार्ट हो रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है माय डियर, स से स्टार्ट हो रहा है, तो स बताइएगा कख कख में आता है या आई में आता है, आप लोग पढ़े होगे ना, आप लोग को हंसी भी आ रही होगी कख कख बता रहे हैं, तो कख कख तो आप लोग को पता ही होगा कि स किस में आता है, कख कख में आता है, तो कख कख में आता है तो इसमें क्या लगा देंगे, अ लगा देंगे। एक बात और आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सर तो नाउन के लिए आर्टिकल लगता है, लेकिन ये तो नाउन के पहले ना लगाकर स्मार्ट के पहले लगाए हैं, ऐसा इसलिए माय डियर क्योंकि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे ही इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, आप लोग गुड के पहले आर्टिकल लगाते हो। जैसे अगर कोई नाउन आए, अगर कोई नाउन आए और उसके पहले कोई एडजेक्टिव आए तो आर्टिकल का प्लेसमेंट उस एडजेक्टिव के पहले हो जाता है, कहां हो जाता है, जो एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है उसके पहले आर्टिकल का पोजीशन हो जाता है, इसलिए मैंने यहां स्मार्ट के पहले अ लगाया, ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्मार्ट एक एडजेक्टिव था, लड़के के बारे में कुछ बताया जा रहा है, किस वर्ड के जरिए, स्मार्ट के जरिए, इसलिए ये एडजेक्टिव है और इसके पहले मैंने अ लगा दिया क्योंकि ये स से स्टार्ट हो रहा था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, ऑनेस्ट बॉयज, अब बताइए माय डियर ये ऑनेस्ट बॉयज लिखा गया है, पहले तो ये क्या लिखा गया है, ये आपका प्लुरल नाउन है, कौन सा नाउन है, प्लुरल, बॉयज आपका कौन सा नाउन है, प्लुरल, तो मैंने तो पहले ही क्लैरिफाई कर दिया है कि ये केवल आर्टिकल अ और एन केवल और केवल सिंगुलर के साथ ही हम लोग लगाएंगे, तो यहां पर हम लोग कोई भी आर्टिकल ए और एन में से कुछ नहीं लगा पाएंगे क्योंकि नाउन तो हमको मिला, गिन भी पाए उसको, लेकिन गिनने पर एक से ज्यादा हो गया इसलिए हम लोगों ने अ और एन नहीं लगाया। क्या यहां पर केवल ऑनेस्ट रहता तो हम लगा देते, जैसे मान लो कि मैं केवल ऑनेस्ट लिखता तो क्या आप लगा देते, नो माय डियर, क्यों, क्योंकि ऑनेस्ट एक नाउन नहीं है, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार क्या, लड़का लड़की क्या, ईमानदार कौन है ये नहीं बताया गया है,
मतलब ईमानदार व्यक्ति है, कौन है उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया है। जब नाम नहीं बताया गया है तो नाउन नहीं है, क्योंकि नाउन तो नाम होता है। तो जब नाउन ही नहीं है तो आर्टिकल लगाऊंगा किसके लिए? आर्टिकल तो हम लोग नाउन के लिए लगाते हैं, तो क्या केवल एडजेक्टिव आ जाने से हम लोग आर्टिकल लगा देंगे? नो, देयर मस्ट बी अ नाउन, दैट मीन्स काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन, तभी जाकर हम लोग आर्टिकल लगा पाएंगे। इसलिए हम यहां पर नहीं लगा सकते हैं। अब यहां पर एक और वर्ड दिया गया है, फर्नीचर, और यहां पर मैंने कुछ नोट्स लिखा है, कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स है जिसमें हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं, उसी से क्वेश्चंस मैंने यहां पर उठाकर डाला है। फर्नीचर, फर्नीचर के पहले आप आर्टिकल लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि फर्नीचर का मतलब क्या होता है? फर्नीचर के बहुत सारे आइटम्स होते हैं, फर्नीचर को आप गिन नहीं सकते हो। जैसे कि आप दुकान में जाते हो और फर्नीचर के बहुत सारे आइटम्स रखे रहते हैं, तो क्या आप गिनना शुरू कर देते हो? नहीं, आप उस शॉपकीपर से बोलते हो कि हाँ मुझे 4 पीस चेयर दे दीजिए, 2 पीस पलंग दे दीजिए, 2 पीस सोफा दे दीजिए, या वगैरह वगैरह, ये सब चीज आप बोलते हो। ऐसा थोड़ी बोलते हो कि 5 ठो फर्नीचर दे दीजिए, नहीं ना। दैट मीन्स फर्नीचर का आप ना तो प्लुरल बना सकते हो और ना उसको गिन सकते हो। फर्नीचर के आइटम्स होते हैं माय डियर, जैसे चेयर, टेबल, ये सभी चीजों को गिना जाता है, फर्नीचर को नहीं गिना जाता है। इन सभी चीजों का कलेक्शन मिलकर फर्नीचर बनता है, इसलिए हम यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इसको, फर्नीचर को हम लोगों ने अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट किया है। किसके तरह ट्रीट किया है? अनकाउंटेबल की तरह, क्योंकि फर्नीचर के आइटम गिने जा सकते हैं, फर्नीचर कभी नहीं गिने जा सकते, तो हम लोग अफर्नीचर ऐसा नहीं बोल सकते। उसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट में आपका लगेज है। क्या है? लगेज, जैसे लगेज वगैरह आप कहीं ट्रैवल करने के लिए जाते हो तो अपना लगेज साथ में लेकर जाते हो, चाहे वो सूटकेस में हो या फिर बैग्स में हो, तो आप लगेज लेकर जाते हो, तो लगेज में बहुत सारे आइटम्स आपके रहते हैं, आप उसको काउंट करके डालते हो और फिर उसी को फिर मिलाते हो कि सारे आइटम्स मेरे सही सलामत हैं या नहीं। लगेज मतलब सारे आइटम्स को मिलाकर नाम दिया गया है, इसलिए लगेज का भी प्लुरल नहीं बन सकता और ना ही ये सिंगुलर है। ये सिंगुलर है लेकिन अनकाउंटेबल है, क्योंकि सिंगुलर इसको क्यों बोले माय डियर? क्योंकि सारे चीज को मिलाकर एक नाम दिया गया है, जितने भी आइटम्स आपने सूटकेस में डाला वो सभी को मिलाकर एक नाम दिया गया, लगेज। इसलिए ये सिंगुलर है बट अनकाउंटेबल है। सिंगुलर रहना चाहिए लेकिन काउंटेबल रहना चाहिए, तभी जाकर आप लगा सकते हो। हाँ, यही अगर लगेज में रहता, ब्रश रहता, और भी कुछ सामान रहते, जैसे बुक्स रहते, पेंसिल्स रहते, पेन रहते, लगेज में आप डालकर जाते तो आप उसके साथ आर्टिकल लगा पाते, क्योंकि आप उसको काउंट कर पाओगे, आप लगेज को काउंट नहीं कर सकते हो। अब यहां पर मैंने लिखा है हॉट कॉफी। यहां पर हॉट एक एडजेक्टिव है, जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले अ लगा देंगे जब बगल में नाउन रहेगा। हाँ, मैंने ये चीज तो बताया है कि बगल में नाउन रहेगा और उसके पहले एडजेक्टिव रहेगा तो लगा देना है। तो क्या आप एक बात बताओगे, क्या ये कॉफी, ये जो कॉफी लिखा गया है, क्या ये काउंटेबल है? क्या आप इसको गिन पाओगे? कॉफी एक लिक्विड मटेरियल है जो आप लोग पीते हो, आप इसको गिन नहीं सकते, जैसे कोई भी लिक्विड मटेरियल हो, चाय, कॉफी, पानी, तेल, ये सभी चीजों को आप गिन नहीं पाओगे, और जब गिन नहीं पाओगे तो ये काउंटेबल हुआ ही नहीं, और जब काउंटेबल नहीं हुआ तो ए और एन हम क्यों लगाए? इसलिए यहां पर जरूरत नहीं है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यूनिक बॉय। यूनिक मतलब होता है अनोखा। अब यूनिक का मतलब अनोखा है और इसके बगल में बॉय है, मतलब हमें एक नाउन मिल गया और उसके पहले एक एडजेक्टिव ही मिल गया, क्योंकि इस बॉय के बारे में यूनिक वर्ड क्लैरिफाई कर रहा है, इसको जो है स्पष्ट कर रहा है कि लड़का कैसा है, तो लड़का यूनिक है, तो एडजेक्टिव मिल गया तो हम लोग लगा दें?
नहीं, सबसे पहले तो आपको ये वर्ड को पहले देखना होगा कि ये कौन सा साउंड से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से या वोवेल से, तभी जाकर आप लोग ए और एन लगा पाओगे, क्योंकि यहां पर दो केस बनती है माय डियर, अ भी लगा सकते हो और एन भी लगा सकते हो। लेकिन सबसे पहले यहां पर यूनिक वर्ड को हम लोग प्रोनंसिएट करेंगे। य से स्टार्ट हुआ, क्या से स्टार्ट हुआ, य से, इसलिए हम लोग य से जब स्टार्ट हुआ तो कख गघ में आया, डेट मीन्स ये कॉन्सोनेंट साउंड है और साथ ही साथ काउंटेबल भी है, बॉय और सिंगुलर भी है, और ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट भी हो रहा है, तब हम लोग अ यहां पर बिल्कुल सुटेबल है, इसलिए हम लोग अ लगा देंगे, क्योंकि अ के यूज में मैंने क्या लिखा है आप लोग गौर करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड कॉन्सोनेंट साउंड। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो मैंने प्रूफ कर दिया बॉय को, और साथ ही साथ ये कॉन्सोनेंट साउंड है यूनिक, तो हम लोग इसके पहले अ लगा देंगे। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन आइड मैन, ये व से स्टार्ट हुआ, क्या से स्टार्ट हुआ, व से, इसलिए अ लगाएंगे, और यहां पर नाउन भी मौजूद है, इसको आप लोग गिन सकते हो, इसलिए हम लोगों ने अ लगा दिया। इसका मतलब होता है कहीं का वंशज, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार आपका पूछ देता है। आयर, आयर का मतलब होता है वंशज, कहीं का राजा महाराजा हो और उसके वंशज जो होते हैं उसको आयर बोलते हैं। ये आ से स्टार्ट होता है, आ से, इसलिए यहां पर एन लगाएंगे, और आवर तो आप लोग सभी लोग जानते हो, एन आवर, ये घंटा, ये तो आपके एन लेकर ही आएगा। अब यहां पर आपको एक गौर फरमाना है, एमएलए, अब आप लोग बोलिएगा एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो हमको फुल फॉर्म की तरफ नहीं जाना है माय डियर, हमको जो लिखा गया है उसका प्रोनंसिएट करना है, एमएलए को प्रोनंसिएट करना है, एमएलए इसको लिखेंगे हम लोग, एम, देखिए पहला वर्ड, पहला अक्षर क्या से स्टार्ट हुआ, आई से, इसलिए ये वोवेल साउंड है, और जब वोवेल साउंड है तो हम लोग एंड लगाएंगे। उसी तरह से एलआईसी ऑफिसर, माय फादर इज एन एलआईसी ऑफिसर, यहां पर एंड लगाया मैंने, इसलिए क्योंकि ये एल ए से स्टार्ट हुआ, डैट मीन्स ये आई के कैटेगरी में आया, डैट मीन्स वोवेल साउंड है, इसलिए हमने एंड लगा दिया। अब हम लोग ईयर पर जाते हैं, देखिए अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020, अब खत्म ही होने वाला है कुछ दिनों में, तो ये ईयर है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ई से नहीं माय डियर, य से पढ़ते हैं, ई यर, कान जो होता है उसको पढ़ते हैं ई ए आर, उसको बोलते हैं ईयर, बट ये जो वर्ष वाला जो अंग्रेजी होता है ईयर, इसको बोलते हैं ईयर, ये य से स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोग यहां पर अ लगाएंगे। अब जैसा कि ये वर्ड लिखा गया एडवाइस, एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह, सलाह को गिना नहीं जा सकता है माय डियर, जैसे आपके पापा ने आपको कुछ सलाह दी, अब कितना सलाह दी आप कैसे गिनोगे, हो सकता है कि एक पूरा एक घंटा का लेक्चर होगा, हो सकता है कि पूरा दो घंटा का लेक्चर होगा, उसमें कौन क्या क्या सलाह दिया गया उसको आप पॉइंट आउट करोगे, गिनोगे, उनकी बातों को समझोगे, सलाह जो दिया जाता है उसको समझा जाता है, गिना नहीं जाता, इसलिए यहां पर अ और एन हम लोग नहीं लगाएंगे। हाँ आप लोग सलाह के पार्ट को गिन सकते हैं, जैसे हमने बोला अ पीस ऑफ एडवाइस, तब आप लोग उसको गिन सकते हैं, कोई अलग से एक्स्ट्रा वर्ड हम लोग डालेंगे तभी जाकर अ और एन लगेगा। ये सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, अभी मैं फिलहाल ये बता रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिसके पहले आप डायरेक्ट अ और एन लगा सकते हो और नहीं लगा सकते हो। तो एडवाइस ये क्या है, ये आप नहीं गिन सकते हो, तो इसके पहले आप कुछ नहीं लगाओगे। और जैसा कि मैंने यहां पर नोट भी कर रखा है, आप लोग इसको नोट्स कर लेंगे कि कौन कौन से ऐसे नाउन है जिसमें जिसके पहले हम लोग आर्टिकल ए और एन नहीं लगा पाएंगे, आप लोग को उधर मैंने कॉलम बनाकर लिख रखा है। न्यूज, न्यूज मतलब होता है समाचार, समाचार जो आप सुनते हो, समझते हो, पढ़ते हो, आप उसको गिनते हो बैठकर, नहीं, समाचार को नहीं गिना जा सकता है, समाचार के हेडलाइंस को गिना जा सकता है,
समाचार का जो हेडलाइंस होता है उसको आप गिन सकते हो, आप समाचार को नहीं गिन पाओगे, इसलिए इसके आगे भी आर्टिकल ए और एन नहीं लगेगा, क्योंकि जिसको गिन पाएंगे उसी के पहले तो इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन लगा पाएंगे। जब गिन ही नहीं पाएंगे तो लगाएंगे किस लिए, इसलिए अ और एन हम लोग नहीं लगाएंगे। एक तो कॉमन सा वर्ड मैंने लिख रखा है सूज, जो आप अपने पैरों में पहनते हो, जूते। अब आप हम लोग ये बताएं कि जूते कितने होते हैं, जोड़े में होते हैं माय डियर। कभी भी आप बाजार जाओगे तो क्या कहोगे कि एक जूते दे दीजिए, नहीं एक जोड़ी जूते दे दीजिए, शुद्ध हिंदी हुआ एक जोड़ी जूते दे दीजिए। अगर आपको दो जोड़ियां लेनी है अपने भैया के लिए या अपने बहन के लिए या फिर अपने पापा के लिए, तो आप दो जोड़ियां बोलोगे, ना कि दो जूते दे दीजिए। दो जूते तो आपके खुद के हो गए, तो आप जूते को आप नहीं गिन सकते, गिन सकते हो लेकिन उनकी जोड़ियां को गिन सकते हो। और यहां पर लिख रखा है मैंने सूज, चूंकि सूज मतलब दो हो गए और दो का एक पेयर बनता है, एक पेयर को गिन सकते हैं। जूते केवल लिख देने से यह प्लुरल बन जाता है, क्या बन जाता है, प्लुरल, क्योंकि जूते कहने से दो ऑटोमेटिकली दिमाग में आता है ना। बातें क्लियर हो रही हैं? जैसे मैंने बोला अ पेयर ऑफ सूज, अ पेयर ऑफ सूज, इसका मीनिंग क्या हुआ माय डियर, जूते तो दो है लेकिन जोड़ी बनी एक। जैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो कपल बने एक, पर्सन तो दो हैं लेकिन कपल बने एक, जैसे अ कपल मींस एक कपल। उसी तरह से जूते तो दो हैं लेकिन पेयर बने एक, इसलिए हम लोग एक का अंग्रेजी इनडेफिनिट आर्टिकल में अ और एन होता है, इसलिए लगा देंगे अ। लेकिन केवल जूते लिख देने से ये क्लैरिफाई नहीं हो रहा है कि एक जोड़ी है या दो जोड़ी है या तीन जोड़ियां हैं, ये कहां पता चल रहा है। जब पता ही नहीं चल रहा है तो ये प्लुरल हुआ ना, जब प्लुरल हुआ तो इसके पहले आप आर्टिकल्स नहीं लगा सकते। अब जो नेक्स्ट वर्ड लिखा गया है यूरोपियन, ये स्टार्ट तो हुआ है ई से लेकिन इसको पढ़ते हैं यूरोपियन, य से है ना, ये य से पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग यहां पर अ लगाएंगे। अब जैसा कि मैंने लिखा फर्नीचर, फर्नीचर के बारे में मैंने जस्ट पहले क्लैरिफाई किया है कि फर्नीचर को आप लोग गिन नहीं सकते हो, उसके आइटम्स को गिन सकते हो, इसलिए यहां पर भी आप आर्टिकल नहीं लगा पाओगे। अब आगे मैंने लिखा है वन रुपी नोट, एक रुपया का नोट, यहां पर नाउन कौन है, नोट है। नोट कितना वाला है, एक रुपया वाला है, दैट मीन्स ये नोट को क्लैरिफाई कर रहा है। तो जो नाउन को क्लैरिफाई करता है, क्वालिफाई करता है या क्लैरिफाई करता है, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव्स। और उस एडजेक्टिव के पहले हम लोग अ और एन लगाते हैं, कब, जब नाउन काउंटेबल हो और सिंगुलर हो। तो क्या नोट जो है काउंटेबल और सिंगुलर है, बिल्कुल है, नोट कहने का मतलब एक ही है। तो यहां पर नोट्स रहता तो हम लोग नहीं लगा पाते, नोट है तो लगा पाएंगे। तो यहां पर क्या लिख देंगे, अब बताइए अ लगाऊं या एन लगाऊं, उसको क्लैरिफाई करने के लिए आपको प्रोनंसिएशन करना पड़ेगा, है ना। पहले तो आप ये पता कर लो कि आप यहां पर अ और एन लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे, और जब आपको ये क्लैरिफाई हो गया कि हाँ हम लोग लगा सकते हैं, तो अब आपको स्पष्ट करना है कि अ लगाए या एन लगाए। तो चूंकि ये वन, ये व से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहां पर अ लगाऊंगा। अब आगे कुछ फ्रेज है, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ मतलब होता है बहुत, लेकिन इसी को मैं यूं लिखूं लॉट्स ऑफ, तब यहां पर अ नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि लॉट का मैंने प्लुरल कर दिया एस, तब यहां पर हम लोग अ नहीं लगा पाएंगे। एक्सीलेंट मतलब क्या होता है, सबसे अच्छा, शानदार, तो एक्सीलेंट एक एडजेक्टिव है। अब एक्सीलेंट क्या है, नोटबुक है, ड्रेस है, या एक्सीलेंट बॉय है, या एक्सीलेंट टीचर है, एक्सीलेंट क्या है ये तो क्लैरिफाई नहीं किया गया है। मतलब एक्सीलेंट तो एडजेक्टिव है लेकिन इसके बगल में नाउन नहीं है, नाउन मिसिंग है माय डियर। जब नाउन ही नहीं है तो आर्टिकल हम लोग लाएंगे क्यों, क्योंकि आर्टिकल्स तो हम लोग नाउन के लिए लाते हैं ना।
तो आर्टिकल्स तो इसमें मिसिंग है, इसलिए हम लोग इसमें भी कुछ नहीं लगा पाएंगे। अब नेक्स्ट में मैंने एक नाउन को ले रखा है बॉय। अब यहाँ पर मेरे पास एडजेक्टिव्स भी है और साथ ही साथ नाउन भी है, नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। तो क्या एडजेक्टिव के पहले अ और एन लगा दिया जाए? इसको क्लैरिफाई करने के लिए आपको नाउन के तरफ जाना पड़ेगा। नाउन सिंगुलर है और काउंटेबल है कि नहीं है ये पहले पता करते हैं। बॉय तो आपका सिंगुलर है, बॉय मतलब लड़का, लड़का मतलब एक ही लड़का, लड़के रहता बॉय तो ये प्लुरल बन जाता, तो ये तो सिंगुलर है। और बॉय को तो आप लोग गिन सकते हो ना, जैसे मान लेते हैं कि एक रो में 10 बच्चे हैं, 10 लड़के हैं, आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो गिनकर कि लड़के कितने हैं, तो बॉय तो आप गिन सकते हो, तो ये काउंटेबल भी हुआ और सिंगुलर भी हुआ। तब हम लोग अ और एन दोनों में से कोई लगा पाएंगे। हाँ, यहाँ पर एक्सीलेंट था तो एक्सीलेंट एक एडजेक्टिव है, और एक्सीलेंट किस चीज से स्टार्ट होता है हम लोग अब प्रोनाउंसिएशन करेंगे। एक्सीलेंट ए से स्टार्ट होता है, एक्सीलेंट तो ये वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग एन लगाएंगे। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट में डिस्कस कर दूं, यहाँ पर मैंने कुछ अनकाउंटेबल नाउंस को लिखा है जो कि बिल्कुल अनकाउंटेबल नाउंस की तरह ट्रीट किए जाते हैं। और आपको इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि कभी भी इसमें आर्टिकल अ और एन नहीं लगाएंगे, कभी नहीं, जब तक कि इसके साथ कोई एक्स्ट्रा वर्ड जैसे पेयर, पीस, आइटम, जब तक ये सब वर्ड ना रहे तब तक आपको नहीं लगाना है। लगेज के डायरेक्ट पहले आपको अ और एन नहीं लगाना है, न्यूज के पहले भी नहीं लगाना है। तो इन सारे 10 या 12 पॉइंट से आप इसको नोट करेंगे और इसको आप लोग लर्न करेंगे, इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। अब कौन कौन सी स्पेशल केस हैं जिसमें आप आर्टिकल लगा सकते हो इन सारे वर्ड्स के आगे, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। और चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।